Yo, baby. Subo. Respect, bro. Seagram spoon, royal stag. Make it big. कैमरा रोलिंग शॉर्ट वन टेक वन चलो बाबा जी शुरू लेट्स गो पॉप्स. Okay, the dude is back! Woo! हमारे लीड तबलिस्ट जब लग रहा ड्रम जैसा है पर हेड तबलिस्ट. तो आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरा ट्रेन में चढ़ने वाला पहला दिन और नहीं चढ़ पाया पहला ट्रेन. दूसरा भी ऐसा ही हुआ कर रहा है और नहीं हो रहा है. कुछ नहीं कर सकता है मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा लगा मेरे को. फिर तीसरी बार चढ़ गया और जो चढ़ा ना ट्रेन में मतलब ऑलमोस्ट आधा घुस गया था अंदर में. थोड़ा बाकी था थोड़ा पहले मैं इससे ज़्यादा था तब इमेजिन करो मैं तन में बट से था मतलब पास था मतलब फंस जाया मैं बीच में डोर और बोल मेरे को एक बात खंभा क्यों लगा उधर ट्रेन के ऐसे पीछे पीछे सा क्या जरूरत है इतना ठंडा निकला था थोड़ा निकल ले लेगा ना. बड़ा क्या थॉर है क्या बेटी अटक गया बीच में मैं और बैक पीछे था तो बैक का भी थोड़ा दौड़ा हो गया थोड़ा बैक थोड़ा पुल हुआ और पुल हाथ भी हो गया ऐसा तो ऐसा छूट रहा था और ऐसा रहता जिम कर रहा था मैं ऑटोमेटिक हो रहा था ऐसा और घूम रहा है तो मॉम बोली मॉम बोलेगी बेटा कपड़ा लेने जाते हैं. तो बोला ओके मॉम इन माय लैम्बोर्गिनी नाउ. तो मम्मी बोली नहीं. बोला ओके मॉम मर्सिडीज. तो बोली नहीं बेटा मर्सिडीज नहीं. ओके मॉम बीएमडब्ल्यू. बोला नहीं बेटा बीएमडब्ल्यू भी नहीं. बोला मॉम कैसे जाएंगे. तो मॉम ने बोला टी आर ए आई एम ट्रेन. बोला मॉम वी हैव टू लेनोस थ्री मॉक्स व्हाई ट्रेन. तो मम्मी बोली बेटा पेट्रोल डलने के पैसे दिए वो सब खरीदने में पेट्रोल ही नहीं खरीदा. वापस ट्रेन में चढ़ने का था तो मैं बराबर चढ़ा मतलब मैं कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं ऐसा कुछ ऐसा फुल ऐसा मतलब स्टेप वाइज स्टेप वन लुक लेफ्ट लुक राइट स्टेप टू लुक लेफ्ट लुक राइट स्टेप थ्री बोर्ड द ट्रेन एंड देन Yeah man, I was in the mall. Back in the time. फिर मैं गया कपड़ा लेने को तो उधर सेल्समैन के पास गया. फिर मैं पूछा मेरे साइज का कपड़ा है क्या एक्सेल डबल एक्सेल. तो पहले मैं एक्सेल बोला तो ला के दिया तो बैठा नहीं मेरे को. फिर मेरे को थोड़ा ऐसा शर्म आया मांगने को नहीं भी बोल रहा है. फिर भी बोला मैं कि डबल एक्सेल रहेगा तो थोड़ा दो देखता डाल के. तो बोला नहीं है डबल एक्सेल नहीं. फिर मैं और दो तीन बार परसिस्टेंटली पूछा. फिर मैं बोला ठीक है अंकल पैंट है क्या. ए नहीं अरे समझता नहीं चलना मासा तो टाक रहे ऐसा हो गया. तो बोला ठीक है अंकल चिल्ला मत आजू बाजू में लोग खड़ा है देखता है मेरे को. बोलता है तो जाड़ा क्यों है ऐसा मतलब बोला नहीं ऐसा उसके मन में रहेगा तो जाड़ा क्यों है. तो लोग जोक मारते हैं आप पे ओनली बिकॉज ऑफ योर साइज नथिंग एल्स. यू आर सो फैट दैट इफ यू फॉल इन लव यू विल ब्रेक इट. मेरे को ये सच लगा कि 6 प्रपोजल मारा है मैंने अभी तो. बहुत वाट लग गया मेरा वो सब पर्सनल बात है मेरा. फिर बोलता है यू आर सो फैट तू वेइंग मशीन पे चढ़ेगा तो आएगा टू बी कंटिन्यूड. एकदम चिंदी चीप जोक्स आई डोंट लाइक देम एट ऑल. अभी मैं क्या करूँ पतला होने के लिए. तो मैं गया जे टू द वाई टू द एम जे. तो गया मैं तबड़ तंग तबड़ उतना भूख लगा अभी मैं क्या बोलू क्या व्हाट द फक. तू जोड़ा
जिम में आते ही पतला होने के लिए आए, क्या चाहिए तुम लोग को? ए तो जिम जाता और जाड़ा है ये तो, अरे तो एक दिन गया ना, अक्कल है क्या तेरे को? एक दिन तो जिम गया मैं, कैसा पतला होएगा कोई बंदा? तू चुतिया ठीक से एक दिन में पैदा नहीं हुआ था तेरे बाप से। ट्रेडमिल पे चढ़ा और मैं भाग गया, ऐसा ऐसा और एक फ्लॉलेस लड़की आ गई, जैसा फ्लॉलेस राके बाजू में भागने को लगी, तो फिर मैं थोड़ा तेज किया ऐसा, फास्ट का बटन नहीं था वो एलिवेशन का बटन था, तो मैं खाली उससे हाइट पे पहुंच गया जो मेरे को नहीं चाहिए था। भागा 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 और मैं बहुत देर तक भागा ऐसा मेरे को लगा, लेकिन मैं सिर्फ 10 सेकंड भागा था और थक गया था पूरा। मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए भाग रहा था, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा था कि वो इम्प्रेस हो रही थी, क्योंकि थोड़ा पसीना थोड़ा ऐसा आग के ऊपर से आया और आग गया मेरा, मतलब पसीना पसीना हो गया था पूरा। कि मैं स्लो नहीं कर सकता, क्योंकि ना रिस्पेक्ट ब्रो, सिग्रम्स को वॉइस टैग मेक इट बिग लार्ज व्हाटएवर। मेरे को सब ब्लाइंड थोड़ा आने लगा, ऐसा स्पॉट ब्लैक स्पॉट ऐसा ऐसा लगा, कुछ दिख रहा नहीं है, और मेरे को शायद सही शक आ रहा था कि मैं बेहोश हो गया। फुल डायरेक्ट धप करके ऐसा गिरा मैं, वो जो मेरे को टार का रोड बनाया ना ट्रेडमिल पे, बहुत गंदा बहंगा पड़ा मेरे को, और इधर थोड़ा अपटा मेरे को, फिर बोला ठीक है अभी भागते नहीं, अभी थोड़ा ट्राई करते कुछ, नहीं जम रहा भागने। और निकलते वक्त ना क्या बोला मालूम है वो ड्रीम ट्रेनर, शॉकिंग न्यूज था मेरे को, मालूम नहीं ऐसा रहता है, तो खाना भी कम कर बोलता है। मैं बोला चूतिया खाना कम किया तो जिम क्यों जा रहा है? मैं बोला खाना खाएगा ना और जिम जाके, ऐसा नहीं जिम जाएगा खाना भी कम करेगा, ये क्या कॉम्बिनेशन है बैठी। तो बोला खाना मत कम, मैं बोला कल से ले आऊंगा मैं, सीधा बोला मैं गाली नहीं दिया क्योंकि थोड़ा बॉडी था उसका, बोला कल से ले आऊंगा मैं। गर्म लग रहा है वो भी ट्राई किया था बीच में, क्या आप मोटे हैं? क्या आपके पेट पे पेट है? ले ये मंजन तुझे काजन तंदन। अगर आप जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो, अगर पता नहीं है मत, अगर आप मोटे हो तो डरिए मत, टेंशन मत लो, दुनिया में बहुत लोग मोटे होते हैं, कभी अमेरिका जाके देखो, नॉर्थ अमेरिका आपको सिर्फ बफेलोस मिलेंगे, सब व्हाइट बफेलोस, टेंशन मत लो, हर जाड़ा हर जाड़ी आपके साथ है, कोई बात नहीं है।